अम्बाला कंटेनमेंट बोर्ड द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर एक मिनी मैराथन का आयोजन आज करवाया गया। इस प्रतियोगिता में कोरोना को ध्यान में रखते हुए 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत जेओसी सब एरिया पंकज कौशिक अम्बाला ने हरी झंडी देकर की। इस मिनी मैराथन के आयोजन से पहले ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। जो लोग समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, उन्होंने प्रतियोगिता के शुरू होने से कुछ समय पहले रजिस्ट्रेशन करवाई। कंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य अजय बावेजा ने बताया कि बोर्ड समय समय पर अपने क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये मिनी मैराथन 5 किलोमीटर की हुई, जो कि सैनिक विश्राम गृह मॉल रोड से प्रारंभ हुई और मॉल रोड से होते हुए रैना ऑडिटोरियम के पास से नेपियर रोड होते हुए सैनिक विश्राम गृह के पास ही खत्म हुई। सभी प्रतिभागियों को वहां पर टी शर्ट व कैप दी गई। कंटेनमेंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी अनुज गोयल ने बताया कि प्रतिभागियों के लिए लगभग 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और आज प्रतियोगिता पर मौके पर 125 लोग फिजिकली प्रेजेंट हुए। प्रतिष्ठा प्रतियोगिता को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें 18 से 50 साल के पुरुष और महिला वर्ग और 50 से ऊपर पुरुष व महिला वर्ग हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए थे। इस मिनी मैराथन में वही व्यक्ति भाग ले सकता था जिसने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी होंगी और पूरी तरह से तंदुरुस्त था। इसके लिए हमने सिविल सर्जन अम्बाला के सहयोग से वहां पर मेडिकल टीम में एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी और खेल विभाग के अधिकारियों का भी हमें सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि हमने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई थी और जो इन सभी बातों का ध्यान रख सके। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के 4 ओवर के पहले विजेता प्रतियोगी को 8,000 रूपए, द्वितीय विजेता को 6,000 रूपए, तृतीय को 4,000 रूपए इनाम दिए गए। हम ना हर वर्ष इसी तरह से मैराथन और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हम एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। इस बार आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश मिले हुए हैं, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव सरकार के साथ हो, सरकार के कार्यक्रमों के साथ हो। उसी के तहत आज हमने कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से इस मिनी मैराथन का आयोजन किया है। 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन है, इसमें लगभग 250 के करीब हमारे रजिस्ट्रेशन थे, क्योंकि त्यौहार के दिन है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और लोग बिजी हैं, कुछ लोग कम आ पाए, लेकिन 250 लोगों के लिए हमारे पर रजिस्ट्रेशन था और लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें 18 से 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को हमने यहाँ पर जो है कहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि 18 वर्ष से कम लोगों को भी किसी को भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है और उनको भी जो 18 से 50 से ऊपर उनको भी जिनको डबल डोज लग चुकी है उन्हीं को हमने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अथराइज किया है। और अब जैसे भी ये आते हैं वापस बच्चे, नहीं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कैन बोर्ड अम्बाला का कि आज मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज करी गई है कैन बोर्ड अम्बाला में। ये मैराथन 5 किलोमीटर लंबी मैराथन है और इसका शुरुआत अब कर दिया गया है माननीय जीओसी सर द्वारा, और इसी पॉइंट पे ही अब उनका जो मैराथन है वो ख़त्म भी होगी। उसके बाद प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी ने काफ़ी बढ़ के पार्टिसिपेट किया है, और क्योंकि पोस्ट कोविड मैराथन की जा रही है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारे कंडीशंस के साथ इस मैराथन को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। हाँ जी, जैसे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कंडीशन की गई थी कि सेकंड डोज वैक्सीन की उन्हें लगी होनी चाहिए, उसके अलावा वो असिम्प्टोमेटिक होने चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं होना चाहिए कोविड का, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल था उसका पालन किया जाए। और आज फेस्टिवल भी है तो इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ऑनलाइन अराउंड 250 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। खबर नामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।